हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षता गुप्ता। आपका स्वागत है मेरे चैनल फूडी मुड़ी में। दिवाली आ रही है तो मैंने सोचा क्यों ना आज गुजिया बनाया जाए। वैसे तो गुजिया कई तरीके से बनती है, पर आज मैं आपको मावा गुजिया बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करें। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदे को गूंथ कर आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ 250 ग्राम मैदा लिया है। इसमें 50 ml घी डालें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आटा बनने लगा है, देखिए इस तरह से। जब आटा इस तरह से बनने लगे मतलब ये रेडी है। इसमें पानी डालें और इसे गूंथ लें। मैंने आटा लगाकर तैयार कर लिया है। हमें मीडियम सॉफ्ट डो चाहिए। अब इसे हम रेस्ट होने देंगे। जब तक हमारा डो रेस्ट हो रहा है, हम गुजिया का मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मावा, आधा कप चीनी, मैंने यहाँ पीसी हुई चीनी ली है, आधा कप ड्राई फ्रूट्स, मैंने यहाँ काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश और चिरौंजी लिया है, और हमें चाहिए इलायची पाउडर। कढ़ाई में मावा डालें। हमें मावा को इसका कलर चेंज होने तक पकाना है। ये मावा मैंने मार्केट से लाया है। अगर आपको मार्केट में मावा ना मिले तो आप घर पे भी बना सकते हैं। मिल्क पाउडर से मावा घर पे कैसे बनाएं, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मावा अच्छा फ्राई हो गया है, फ्लेम ऑफ कर दें। इसे ठंडा हो जाने दें। मावा का मिक्सचर हल्का ठंडा हो गया है, इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दें। पिसी हुई चीनी डाल दें। इसमें इलायची पाउडर डाल दें। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। गुजिया का मिक्सचर रेडी है, आटा भी रेडी है। तो चलिए गुजिया बनाना शुरू करें। इसे वापस से ढककर रख दें। मैंने इसे बेल लिया है। अब इस कटोरे के हेल्प से हम इसमें कट करेंगे। अगर आपके पास कुकी कटर हो तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डो निकाल दें। इसे इसके अंदर डाल दें। इसके ऊपर पानी लगाएं। इसके बीच में खोआ का मसाला रखें। अपने फिंगर से इसे प्रेस करें। आप चाहें तो कांटे के हेल्प से भी इसे ऐसे प्रेस कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है।
इसे एक प्लेट में रख दें। मैंने यहाँ इसे कपड़ों से ढककर रखा है। इसी तरह बाकी बनाकर भी हम तैयार कर लेंगे। मैंने सारे गुजिये बनाकर तैयार कर लिए हैं। इस तरह से गीले कपड़े में रखने से इसकी ऊपर की परत कड़क नहीं होती। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो गया है। हम इसे मीडियम फ्लेम पे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं। इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लें। इसी तरह हम बाकी गुजिया को भी फ्राई कर लेंगे। गर्मा गर्म गुजिया बनकर रेडी है। देखिए कितने अच्छे गुजिया बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।